subscribe to Patel Coaching YouTube channel. Don't forget to press the bell icon to get all the notifications. Hello guys and friends and students, I welcome all of you at Patel Coaching. हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर. हाउ कैन यू शो दैट रेशियो ऑफ एम्थ एंड एंथ टर्म इज टू एम माइनस वन रेशियो टू एन माइनस वन. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो इसमें लेट फर्स्ट टर्म इज ए एन कॉमन डिफरेंस इज डी. ठीक है, इसमें हमने क्या मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया. देन रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एन एन टर्म्स ये कितना हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए. तो ये हो जाएगा एस एम इक्वल टू एम बाई टू डिवाइडेड बाई टू ए प्लस एम माइनस वन डी डिवाइडेड बाई एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एम बाई टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन डी डिवाइडेड बाई एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. अब ये टू टू कैंसिल हो जाएगा और m का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे और n का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा टू ए प्लस एम डी और d को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस डी डिवाइडेड बाई टू ए प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन सॉरी एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, इससे कट जाएगा इक्वल टू एम अपान एन. अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एन को इसके साथ और एम को इसके साथ तो ये हो जाएगा टू ए एन प्लस एम एन डी माइनस एन डी इक्वल टू टू ए एम प्लस एम एन डी माइनस एम डी. अब क्या करेंगे कि इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा एम एन डी माइनस एम एन डी माइनस एन डी प्लस एम डी इक्वल टू टू ए एम माइनस टू ए एन. अब एम एन डी कैंसिल हो गया, ये हो गया एम माइनस एन डी इक्वल टू टू ए कॉमन आ गया एम माइनस एन. अब इसमें क्या होगा एम माइनस एन को इधर ले आएंगे तो एम माइनस एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन एन टू डी इक्वल टू टू ए ये कैंसिल हो गया सो डी इक्वल टू टू ए. ठीक है, इस इक्वेशन वन दे देते हैं. नाउ प्रॉम क्वेश्चन रेशियो ऑफ एम्थ एंड एंथ टर्म ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन डी डिवाइडेड बाई ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू हम लोग को मालूम है डी का वैल्यू टू ए है तो डी के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे टू ए इक्वेशन वन से.
putting d equal to 2a from equation 1. अब ये हो जाएगा a प्लस, इसमें से a कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2m माइनस 2 डिवाइडेड बाई, इसमें से a कॉमन आ गया तो भी बचेगा 1 प्लस 2m माइनस 2, a से कट गया इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, तो हैंस प्रूव। तो व्यूवर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल देखने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद।